आज हरिद्वार में उनके अस्थि कलश चुनकर लाए गए हैं, उनके फूल चुनकर लाए गए हैं और गंगा में उनको विसर्जित किया जाएगा हर की पौड़ी पर। दोनों तरफ रास्ते में जहां ये अंतिम यात्रा निकल रही है वहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा दो राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस अंतिम यात्रा में साथ हैं। अटल जी के परिवार के तमाम लोग साथ में हैं, ग्वालियर से उनके परिवार के लोग विशेष तौर पे आए हैं। आज उनकी बेटी ने, जिन्होंने चिता को मुखाग्नि दी थी, नमिता जी, वो ही आज यहाँ अस्थि विसर्जन भी करेंगी। और जाते जाते अटल जी एक बार फिर संसार छोड़ते हुए भी देश को एक बड़ा संदेश देकर गए हैं कि केवल बेटे ही नहीं, बेटियां भी उत्तराधिकारी हो सकती हैं, बेटियां भी चिता को आग दे सकती हैं, बेटियां भी आपके फूल प्रवाहित कर सकती हैं। एक और सनातन परंपरा का निर्वहन करते करते भी एक बड़ा जो समाज में मिथ है उसको तोड़ने के लिए अटल जी जाते जाते एक बड़ा संदेश देकर गए हैं। और शायद यही वजह है कि अटल जी के विरोधी भी उनके कायल हैं, शायद यही वजह है जो अटल जी को अजात शत्रु बना देता है, शायद यही वजह है कि अटल जी जो 10 साल से ना तो सार्वजनिक जीवन में दिखाई दिए, ना किसी ने उनकी कोई आवाज़ सुनी, ना उन्होंने कोई भाषण दिया, ना किसी चुनावी रैली में गए, ना ही किसी मंच पर मौजूद रहे, उसके बावजूद उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। लोग अपने घरों से अपने काम धंधे छोड़कर अटल जी को एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहले दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर पहुंचे, अटल जी के घर पर पहुंचे और आज यहां हरिद्वार में हजारों लोगों का जमावड़ा है जो केवल एक झलक पाना चाहते हैं, अटल जी की नहीं बल्कि उनके सूक्ष्म शरीर की, उनकी अंतिम अवशेषों की, उनके अस्थि कलश की, जहां एक छोटे से कलश में उनका पूरा शरीर समा जाएगा। और मान्यता है कि जब यहां इस गंगा नदी में उस अस्थि कलश को प्रवाहित कर दिया जाएगा तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी जीवन मरण के इस बंधन से। पंडित जी उस वक्त क्या श्लोक पढ़े जाएंगे, हम चाहते हैं जब लोग ये गंगा की तस्वीर देख रहे हैं वो भाव भी उनको महसूस हो, वो श्लोक जरूर हमें बताएं। देखिए, इसमें जो है विशेष, मैंने पहले बताया आपको कि जब कोई राजा मरता है या कोई राजा का जो प्रतिनिधि मरता है तो उसके लिए हम लोग जो है पुरुष सूक्त के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि जो है केवल सनातन परंपरा के अंदर हम लोग कहते हैं कि उसमें 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त के अंदर। ओम सहर शीर्षहर एकह सहस्राक्ष सहस्त्रपात, ये वाला मंत्र जो है इसका हम लोग पाठ करते हैं इसके अंदर। ये केवल जो है केवल और केवल अगर कोई राजपुरुष का मृत्यु होती है तब उसके लिए ये मंत्र का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। एक बार आपने कही बेटियों की बात आपने कही, ये मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर कि हम लोग जब ये कार्य करते हैं, पैतृक कार्य करते हैं, जितने ज़्यादा ग्रंथ हमारे पैतृक कार्य में लिखे हैं उतने सनातन धर्म में किसी ग्रंथ में लिखे गए हैं। इसमें हम लोग जनेऊ को जो हमारा सभ्य होता है उसको असभ्य कर लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अंदर आधा शरीर पुरुष का है, आधा स्त्री का माना जाता है, दोनों का भाग। इसको अर्धनारी नरेश्वर ने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जब हम ये कार्य करते हैं, पितृ कार्य करते हैं, तो जनेऊ अपना हम उल्टी तरफ ले लेते हैं, यानी स्त्री की तरफ ले लेते हैं, तो स्त्री मास समाहित अपने आप हो जाती है। बिना स्त्री कोई कार्य संभव नहीं होता है, ये कहा जाता है। ठीक, शुक्रिया पंडित जी हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। पुराणों में गंगा का जिक्र किया गया, पुराणों में हरिद्वार का जिक्र किया गया, ये कहते हुए कि सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे, तत्र स्नात्वा दिवम यान्ति ते मृतास्ते पुनर्भवा। अर्थात गंगा सर्वत्र तो सुलभ है लेकिन गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर यानी कि इलाहाबाद संगम में दुर्लभ मानी गई है। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो यहाँ शरीर त्याग करते हैं उनका तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, यानी कि वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत तक में गंगा का जिक्र आया है, महाभारत तक में हरिद्वार का जिक्र आता है, इस स्थान के उसकी पवित्रता का जिक्र आता है। और कविता के जरिए अटल जी को हम एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए और साथ में आपको सुनाते हैं अटल जी की कविता। देखिए, तिरंगा यहाँ पर भी पूरी शान के साथ लहरा रहा है, वहाँ भी जहाँ अटल जी अमरत्व की प्राप्ति की तरफ कदम आगे बढ़ा चले हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जरूरी ये है ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना होगा। नजर बंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, अमर आग है, अमर आग है। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, तो कभी नहीं जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मौत से डरने
मौत से ठहर गई। टूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहकुरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है, इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, रा हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आए, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो,
अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हम लौ से अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। कोटि कोटि आपन हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नव की छाती को छूता था कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वाला गिरी, अणुअणु कण कण गब्वर कंदर कुंजित ध्वंत कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिर गब्वर शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुतन दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। क्या करना की आवाज में उनका जीवन दर्शन किस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं में ये सारी बातें लिखी हैं जो आज उनके ना होने के बावजूद उनके जीवन के अर्थ को समझाती हैं, उनकी जीवन के प्रति नज़रिए को समझाती हैं। और यही उनका जो नज़रिया था वो उनको इतना लोकप्रिय बनाता है कि अटल जी के ना होने के बावजूद अटल जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इस देश का इतना बड़ा जनसमूह, इतना विशाल जनसमूह सड़क पर उतर आता है, ना गर्मी की परवाह करता है, ना उमस की परवाह करता है, ना मौसम की बेपरवाही की परवाह करता है, और सड़क पर उतर आता है अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में उनके घर से पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर लाने पर भीड़ थी, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी दफ्तर से स्मृति स्थल ले जाने पर उनके अंतिम यात्रा में भीड़ थी, आज हरिद्वार में जब उनके अवशेष निकले हैं उस वक्त भी एक बड़ा जनसैलाब अटल जी के साथ साथ है। मानो उनको ये संदेश देना चाहता हो कि हमारा जन नेता, हमारा प्रिय नेता हमारे दिलों में बसा हुआ है, हम आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर पंडित जी के पास आपको स्टूडियो में लेकर चल रहे हैं, ओवर टू श्वेता, बताइए। बिल्कुल, तो हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, स्वामी सर्मानंद जी भी मौजूद हैं, और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह की पवित्र आत्मा स्वर्गीय वाजपेयी जी थे और जिस तरह से श्रद्धेय थे सबके लिए, जाहिर सी बात है जन सैलाब जो ये उमड़ा है, जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इस अंतिम यात्रा में हर एक शख्स कोशिश कर रहा है कि कोई भी छूटने ना पाए और एक बार उनका आशीर्वाद जरूर ले ले। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी भी हैं और सर्वानंद जी भी हैं। इस घड़ी में वेदों में खास करके शास्त्री जी क्या वर्णन है इस घड़ी के बारे में? गंगा को पूजनीय तो माना गया ही है, लेकिन गंगा में विशेषकर अस्थियां विसर्जन, इसका भी एक खास महत्व है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन है और यह सबसे अंतिम संस्कार होता है। जब मनुष्य का पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन होने के उपरांत और वह पंच तत्वों में विलीन होने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि गंगा ज्ञान का प्रतीक है और मोक्षदायिनी है, तो भगवती गंगा में समाहित होने के उपरांत ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब तक उस प्राणी की अस्थियों का एक कण भी
गंगा में रहता है तब तक वह प्राणी स्वर्ग को प्राप्त करता है, स्वर्ग में निवास करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस अवसर पर मैं आपको बतला दूं कि भगवान शिव का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जो है वह मोक्ष के दाता हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है कि महामंत्र जेहि जपत महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। सॉरी वहीं पर शास्त्री जी, पुराण में बहुत अच्छा लिखा है कि आदमी का जब जन्म होता है तो स्वात्मा मोक्षार्थम जगत धिताचो, वो अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के कार्य करने के लिए वो जन्म लेता है। तो वहाँ पर एक मंत्र है, गरुण पुराण और शाक्त तत्व संहिता में एक मंत्र आता है शिव और विष्णु को जोड़ करके, क्योंकि कहते हैं प्रभो संभो दीनम विहित शरणम तव चरणयो। वैदिक मंत्र भी है ये, उसको हम ऋग्वेद में बोलते हैं प्रभो संभो दीनम विहित शरणम तव चरणयो भवारण्यादस्मात् विषम विषयात् सर्वभयदात् समुद्रेतो श्रद्धा विधुरमपि बद्धादरकरं दया दृष्ट्या पश्यन् निजतनये मात्मी कुरु शिवो। जैसा शास्त्री जी ने कहा, भगवान शिव के चंद्रभाल में जैसे है वहीं से गंगा निकली है, और वो गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, तो हमारे 16 संस्कार में ये जो अस्थि विसर्जन है ये एक संस्कार है। इसको विधि विधान पूर्वक जब ब्रह्म कुंड में, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का वरदान है, ब्रह्मा विष्णु की स्तुति हो कि ब्रह्मा का वरदान है, तो वह ब्रह्मा क्या कहता है, ब्रह्म ददाति मोक्षम, अब मैं तुमको सारे विश्व को ये एक ऐसा वरदान देता हूँ कि जो इस ब्रह्म कुंड का स्पर्श भी कर लेगा, भस्म भी स्पर्श कर लेगी, अगर उसकी अस्थि भी स्पर्श कर लेगी तो निश्चित है उसका मोक्ष ही है। अगर मोक्ष जब हो जाएगा प्राणी का तो जन्म मृत्यु से वो अलग हो जाता है। तो शास्त्री जी की जो कथन है, कहते हैं गंगा का वही प्रवाह जब काशी में पहुंचता है तो मरणान मुक्ति, जो काशी में भी अगर इसी तरह से विसर्जन हो जाता है, प्रयाग में हो जाता है और सगर के पुत्रों का सागर में, अंत गंगा का, जहाँ नदियों का अगर इतिहास देखा जाए, सारी नदियाँ जो विश्व की नदियाँ हैं, तो गंगा ही एक ऐसी नदी है कि जो समुद्र खारा पानी भी वो करीब 14 किलोमीटर तक मीठा कर देती है। इसलिए अटल जी की 1970 की एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है, जब मेरा एक वास्ता प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के समीप हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं उस समय बटुक था, ब्रह्मचारी था, तो कहा कि देखो ये जो सूर्य है वो भी अपने आप को बहुत कुछ कहता है, चंद्रमा अपने आप को शीतलता की बहुत बातें करता है, लेकिन एक ही शब्द है कि तुम शीतलता की बातें करने वाले लोगों, लेकिन तुम मेरा एक पुरुषार्थ तो देखो, जब सायंकाल होती है तो लाल समुंदर, जब सूरज ढलते ढलते भी समुद्र को लाल कर देता है, तो ये बहुत बहुत बहुत, और सनातन धर्म में खास करके चूंकि अब वो आखिरी घड़ी है और जब अस्थि विसर्जन की ओर ये बढ़ रहा है, अस्थि कलश स्वर्गीय वाजपेयी जी का हर की पैड़ी की तरफ तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरा अपार जनसमूह यहाँ अटल जी की अंतिम यात्रा यानी कलश अस्थि कलश यात्रा के साथ चल रहा है। आगे आगे फूलों से सजा हुआ ट्रक है, रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ा है ये रथ, लेकिन जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता जा रहा है जन सैलाब में भाव विवलता बढ़ती जा रही है, लोग फूल मुट्ठी में फूलों की पंखुड़ियां पकड़े अंजलि में और आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह धक्का मुक्की कर रहे हैं कि वो अटल जी के उस विमान तक, उस रथ तक पहुंच पाए जहां वो अपनी श्रद्धा निवेदित कर पाए। ये अभी भी लगभग 1.5 घंटे की यात्रा बाकी है, यानी लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा अभी और है, तब हर की पैड़ी के पास ये रथ पहुंचेगा और उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होगी, क्योंकि वो तंग इलाका है, वहाँ पैदल यात्रा में हर की पैड़ी पहुंचने के बाद वो 26 ऐतिहासिक पौराणिक सीढ़ियाँ बनी हैं
जिन सीढ़ियों से उतरकर कोई भी आदमी गंगा की पवित्र धार तक पहुंचता है और वहां पर यह अस्थि कलश उनका पुण्य सलीला सदा नीरा गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया जाएगा, उस धारा में जिसमें राजा सगर ने, राजा भगीरथ ने अपने पुरखों की अस्थियों को हमेशा के लिए मुक्ति के लिए कामना से गंगा को धरती पर लेकर आए थे। और उनकी कामना थी जब गंगा अपनी धारा से चली तो उन्होंने कुशावर्त तीर्थ की ओर उसे मोड़ा और गंगा फिर ब्रह्मकुंड की तरफ से होकर अपनी धारा मोड़ कर बही। आज भी गंगा वहां से बह रही है। लोग ये मानते हैं, पुराण ये कहते हैं, वेद ये कहते हैं कि जब तक किसी भी प्राणी के अस्थि अवशेष का एक भी कण गंगा की पवित्र धार में रहता है तब तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अटल जी का कहना है कि लोग भले मेरी मुक्ति की प्रार्थना करें लेकिन मुक्ति के क्षणों में फिर मोह में बंध जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक नया गीत गाने अटल जी फिर से रवाना हुए हैं, यानी उन्होंने कहा है कि मैं लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूँ। तो एक बार फिर कूच किया है उन्होंने लौट कर आने के लिए। हमारे पूरे देश की ये कामना है कि अटल जी जैसी आत्मा को परमात्मा एक बार फिर भेजे ताकि देश को नई प्रेरणा मिले। उनके गीत हो, उनके भाषण हो, उनकी जीवन शैली हो, उनके हास परिहास विनोद हो। मैं अपने कैमरामैन विनोद से कहूंगा कि वो आगे तक कैमरा दिखाएं। कॉलेज से निकलकर अब ये अस्थि कलश यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर का और रास्ता रह गया है और दोनों तरफ जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है उनके श्रद्धे स्वर्गीय वाजपेयी जी की एक झलक जो सूक्ष्म रूप में अब यहाँ पर मौजूद है उसे देखने के लिए। और अपने हाथों में दूर दूर तक जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सभी ने अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ रखी हैं और अर्पित करना चाहते हैं अपना श्रद्धा सुमन। गरुड़ पुराण की यहाँ चर्चा हो रही थी शास्त्री जी, एक बहुत जैसा कि मैं कह रही थी सनातन धर्म में हमारे यहाँ बहुत अहमियत है, बहुत मान्यता है मंत्रों की और वो भी सही उच्चारण के साथ, ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में अब जब ये अंतिम अब पड़ाव पर जीवन का पहुंच जाता है, किसी भी क्षण जब ये पहुंचता है तो ऐसे में शिव की आराधना की जाती है, भगवान शिव की, और इसमें खास करके किन मंत्रों का उच्चारण होता है बताएं। बहुत श्वेता, देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, प्रेत मंजरी की बात करें या गरुड़ पुराण की, कि 10 दिन के अंदर मृत्यु से संस्कार से 10 दिन के अंदर जिनकी अस्थियां गंगा में पहुंच जाती हैं उस प्राणी का पुनः संसार में आगमन नहीं होता। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, संजय आपको दिखा रहे थे अटल जी की अंतिम यात्रा, अटल जी का सूक्ष्म शरीर, अटल जी की अस्थियां, उनके अवशेष अब यहां हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा संजय ने आपको बताया, यहां पहुंचने से कुछ दूर पहले तक गाड़ियों का काफिला रुक जाएगा क्योंकि माँ गंगा के पास आना हो तो अपने कदमों से चलकर आना पड़ता है, वहाँ गाड़ी में सवार होकर नहीं आया जाता और वो तंग गलियाँ ऐसी हैं कि गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। इन सभी नेताओं को गाड़ियों से उतरकर अस्थि कलश हाथ में लेकर ये सारी सीढ़ियाँ उतरते हुए इस ब्रह्मकुंड घाट पर आना होगा और यहाँ पर आकर वो अस्थि विसर्जन किया जाएगा उस गंगा में जिसे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, जिसका जिक्र पुराणों में आता है, जिसका जिक्र महाभारत में आता है, हरिद्वार का जिक्र पुराणों में आया है। हरिद्वार को महाभारत में गंगा का द्वार कहा गया है और पुराणों में तो हरिद्वार में खासतौर पर पद्म पुराण में काफ़ी तारीफ की गई है हरिद्वार की और गंगा के उस उद्भव की, उस प्रताप की, जिसकी वजह से लोग गंगा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल एक डुबकी लगाने या फिर अपने अवशेषों को ही कम से कम प्रवाहित करने की इच्छा रखते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, हरिद्वारे यदा याता विष्णु पादोद की तदा तदेव तीर्थम प्रवरम देवनामापि दुर्लभम तत्तीर्थे च नरः स्नात्वा हरिम दृष्ट्वा विशेषतः प्रदक्षिणम ये कुर्वन्ति न चैते दुख भागिनः। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वो देवताओं के भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गई। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान या विशेष रूप से श्रीहरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं वो कभी दुख के भागी नहीं बनते। यह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। उस हरिद्वार के पुण्यदायक उत्तम आख्यान को कहने सुनने वाला पुरुष सहस्त्रों गोधान तथा अश्वमेध यज्ञ करने के शाश्वत फल को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हरिद्वार की, इस तरीके से गंगा की महानता का वर्णन
भारत के पुराणों में किया गया है, भारतीय सनातन संस्कृति में किया गया है, महाभारत में किया गया है, और उसी गंगा के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके अंतिम अवशेष इस यात्रा के जरिए यहाँ गंगा घाट पर लाए जा रहे हैं, और जहाँ हम मौजूद हैं उसके दूसरी तरफ ब्रह्मकुंड पर जो लोग पहुँचे हैं वहाँ पर भी आपको सुनाई देने लगा होगा भारत माता की जय के नारे लगने लगे हैं, वंदे मातरम के नारे लगने लगे हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है अब कुछ ही देर में अटल जी की अंतिम अवशेष उनकी अस्थियां यहां पर पहुंचने वाली हैं। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, इस विशेष कवरेज के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।